अपन संस्कृति अपन बल पहाड़ी छूमी भावना चौफाल मेरा नाम तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहला जय देव के हाल चाल हैरान सब ठीक ठाक वाला तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं आज व्लॉग नहीं है आज वीडियो है आ, मैंने जो है इंस्टाग्राम पर आस्क मिया क्वेश्चन पूछा था जिसमें बहुत सारे लोगों ने मेरे से इतने सारे क्वेश्चन पूछे इतने सारे क्वेश्चन कि मैं स्क्रॉल करते करते मतलब देखते देखते मतलब कम से कम 400 सौ चार सौ बोल रही हो सॉरी चार हज़ार पाँच हज़ार क्वेश्चन तो होंगे वो मिनिमम तो उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन जो है छाँट लिए जो मेन मतलब काफ़ी लोगों के क्वेश्चन जो थे वो सिमिलर थे एक जैसे क्वेश्चन थे तो उनको इकट्ठा करके जो बहुत सारे लोगों के जो एक मेन क्वेश्चन होते हैं ना कि हाँ इनसे भावना जी से ये पूछना है ये पूछना है तो मैंने नोट कर लिए हैं लिख तो लिए हैं बाकी मैं यहाँ पे स्क्रीन वो भी लगा दूंगी कि किसने वो क्वेश्चन पूछा है करके तो चलिए आज की ये वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं और आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे बढ़िया होंगे ठीक ठाक होंगे और ब्लॉग तो मे बी आज मेरे आ नहीं रहे हैं उतने आ ही रहे हैं बट मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ आज की मेरी क्वेश्चन वाली बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन पूछने थे मुझसे और कमेंट्स भी आप लोग करते ही हो कमेंट्स में भी क्वेश्चंस पूछते ही हो तो मैंने सोचा एक इकट्ठी एक, एक वीडियो भी बना देती हूँ जिसमें आप सभी के जो प्रश्नों के उत्तर है उसमें मैं दे सकूं तो चलिए आज की ये वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मेन क्वेश्चन ये है कि आप कहाँ से हो कहाँ से हो मैं बहुत लोगों को तो पता ही होगा कहाँ से हो उत्तराखंड से सभी लो, लोग सभी लोग उत्तराखंड के वजह से मतलब उत्तराखंड के जो गानों में मैं वीडियोज़ बनाती हूँ उसी से मेरे को जानते हैं तो बता देती हूँ कि मैं हूँ उत्तराखंड पिथौरागढ़ से और पिथौरागढ़ में मेरे गांव का नाम है नापड़ जो कि पड़ता है थल साइड थल की बाजार लाल चुनी कुर्ती तेरी काली देख सी ती ताली पुरी थल की बजारा तो उसी थल के बाजार से आगे को जाके मेरा गाँव का नाम है नापड़ वहीं से मैं हूँ जो कि पिथौरागढ़ में तो आप लोग कहाँ कहाँ से हो आप लोग कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो कि आपका गांव कहाँ है तो सेकंड क्वेश्चन है आपने वीडियो बनाना कैसे शुरू करा मैंने वीडियो बनाना कैसे शुरू करा कॉलेज टाइम पे थी मैं उस टाइम पे सेकंड ईयर में थी नहीं फर्स्ट ईयर एंड होने वाला था मेरा तो मेरे पास जो है फ़ोन नोकिया वाला था कॉलेज में भी हाँ छोटा बटन वाला होता है जो की पैड वाला वो फ़ोन अभी भी है यहीं पर रखा हुआ है ये वाला फ़ोन था मेरे पास इसके बटन टूट गए हैं अब पर ये वाला फ़ोन था मेरे पास उस टाइम पे और फिर मेरे को काम भी होता था कॉलेज में तो मेरे भाई ने पापा से बोल के जो है एक फ़ोन दिलाया मेरे को नॉर्मल फ़ोन चाहिए था चार पाँच हज़ार का स्क्रीन वाला ही जिसमें व्हाट्सएप चल जाए और मेरे जो कॉलेज के अटेंडेंस वगैरह मेरे को देनी होती थी कि मैं वो दे सक सकूँ घर के मतलब तो मैंने मेरे को कोई इच्छा नहीं थी कि मैं महंगा फ़ोन लूँ या कैसा भी लूँ तो भाई ने जो है फ़ोन ले लिया मोटरोला वो उस टाइम पर ठीक ठाक फ़ोन था मतलब बढ़िया फ़ोन था तो मैंने बोला चलो ठीक है यार ले लिया तो मेरे दोस्त लोग जो है म्यूज़िकली बनाते थे टिकटॉक उस टाइम पे था नहीं तो म्यूज़िकली बनाते थे वो लोग तो मैंने भी शुरू करा और मैं छुप छुप के वीडियोज़ बनाती थी घर में किसी को पता नहीं चलता था कि मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ करके और मैं बनाती थी जैसे वॉशरूम में फ़ोन रख दिया मैंने वहाँ पे मैं वीडियोस बना लेती थी या फिर कभी मम्मी लोग ये लोग सोए होते थे तो किचन में जाके चुपचाप से लाइनर वैनर लगा के चुन्नी लगा के टी शर्ट के ऊपर ही चुन्नी तो पता नहीं चलता था कि सूट पहना है या नहीं उसमें मैं वीडियोज़ बनाती थी तो यहाँ से मेरा वीडियोज़ बनाने का सिलसिला शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे मैं बनाती रही वीडियोज़ तो मेरे घर वालों को पता नहीं था कि मैं वीडियोज़ बनाती मैं छुप के वीडियोज़ बनाती थी मतलब एक्टिंग करने का मतलब तो क्या मतलब जो ऐसे लिपसिंग वगैरह या एक्टिंग वगैरह करने का मतलब गाने सुनते ही जो आपके एक्सप्रेशन आ जाते हैं फेस पे तो मेरे गाने सुनते ही फेस पे अपने आप एक्सप्रेशन आ जाते हैं तो देने का मेरे को शौक था तो धीरे धीरे छुप छुप के मैं वीडियोस बनाती थी फिर उसके बाद पता ही चल गया था एक टाइम पे घर वालों को ये स्टोरी भी मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे पता चला घर में कि मैं वीडियोस बनाती थी और मेरी वीडियो जो है वायरल होने लग गई थी उसके बाद तब जाके पता चला था कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ करके तो ऐसे जो है मैंने वीडियोज़ बनाने की शुरुआत करी बस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एज क्या है मतलब ये भी क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों ने पूछा आपकी एज क्या है तो यार ऐसे लड़कियों से एज पूछा नहीं करते हैं आप सभी को जैसे पता होगा <laughs> <laughs> तो चलो फिर भी बता देती हूँ आपको मेरी एज है मतलब आप अनुमान लगा लेना मैं डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ आपको फिफ्टीन अगस्त 1998 तो आप इस हिसाब से अनुमान लगा लीजिए कि मेरी एज क्या होगी नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है आप ज़्यादा सॉन्ग्स क्यों नहीं करते हो इतने सॉन्ग्स मिलते हैं आपको बट आप हाँ ही नहीं बोलते ओह ये शायद किसी जानने वाले ने करे है किसी सॉन्ग प्रोड्यूसर या फिर कोई कोई तो होगा है क्योंकि इन्हें पता है कि मेरे को सॉन्ग्स मिलते हैं तो हाँ मैं ज़्यादा सॉन्ग्स नहीं करती हूँ मेरे दो तीन गाने आए हैं तीन साल में एक सबसे पहला सॉन्ग मैंने करा था होली वाला होली को त्यौहार दूसरा सॉन्ग करा था मैंने रीना और तीसरा सॉन्ग मेरा था हफ्ते में एतवार का दिन तो मैं नॉर्मली सॉन्ग्स इतने करते नहीं हूँ मे बी बाकी आगे मैं करूँ और मेरा मतलब यह है कि मैं लिमिटेड सॉन्ग्स ही करूँ जो मेरे को ठीक ठाक लगे अच्छे लगे गाने तो सभी अच्छे होते हैं सभी अच्छे गाने बनते हैं सॉन्ग्स में कभी कहीं रहती हूँ कभी रह, कहीं रहती हूँ ज़्यादातर मैं उत्तराखंड में रहती हूँ छः सात महीने में वहीं काट देती हूँ वहाँ नेटवर्क नहीं ने आते कुछ नहीं आते तो पता मतलब उतना वहीं पर मतलब क्या बोला नहीं कर पाती उतने सॉन्ग्स और जो जो सॉन्ग मुझे ठीक लगते हैं कि हाँ मैं करूँगी करके तो मैं वो हाँ मैं रख देती हूँ अभी आगे करने वाली हूँ मैं सॉन्ग्स तो अभी मैंने इन तीन सालों में तीन सॉन्ग ही है करे हैं मतलब लिमिटेड सॉन्ग्स ही करती हूँ और जो मेरी सॉन्ग की चॉइस है वो भी बहुत ही लिमिटेड है कि मतलब चटक मटक वाले टाइप में सारे सॉन्ग्स ही अच्छे होते हैं ऐसी बात नहीं है सबका एक अपना अपना नेचर होता है कि वो किस टाइप के सॉन्ग्स करे कर रहे हैं बाकी आगे आपको मिलेंगे गाने करूँगी मतलब इस साल भी आने वाले हैं एक दो गाने तो कर लूँगी इस साल पक्का प्रॉमिस नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए आपका शुक्रिया उत्तराखंड की संस्कृति ऑलरेडी बची हुई है मैं उत्तराखंड की संस्कृति को नहीं बचा रही हूँ ये मेन ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग मेरे कमेंट्स भी करते हैं उत्तराखंड की संस्कृति वहाँ के लोगों ने बचा रखी है वहाँ के जो लोग पुराने लोग हैं वहाँ जो रहते हैं वहाँ की सभ्यता वहाँ का कल्चर देव देवी देवता उन सभी ने वहाँ की संस्कृति ऑलरेडी बचाई हुई है मेरे को सिर्फ अपनी संस्कृति से प्यार है और इसीलिए मैं मतलब अच्छा लगता है मेरे को मतलब अपने कल्चरल सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं वहाँ कल्चर का वहाँ खाना पीना रहना ये सब चीज़ें पसंद हैं मैं बचा नहीं रही हूँ मुझे पसंद है तो मैं वो चीज़ें शो कर रही हूँ और उसी के साथ मे को मतलब क्या बोलूँ मतलब बचाना आप नहीं बोल सकते इस चीज़ को आप इस चीज़ को जीना मतलब मैं अपनी संस्कृति के लिए मतलब संस्कृति को बचाना बहुत बड़ी बात हो गया पहले आप अपने संस्कृति के साथ जुड़े रहें ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है तो मेरा मानना ये है कि आप अपनी संस्कृति से जुड़े बचाना तो वहाँ की संस्कृति ऑलरेडी बची हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन आर यू लाइक मी <laughs> नहीं <laughs> ये भयंकर क्वेश्चन था आर यू लाइक मी नहीं निकनेम निकनेम बता दो आप अपना मेरा निकनेम है पहला निकनेम भानु दूसरा निकनेम देवा जो कि मेरे को कॉलेज में बोलते हैं देवा क्योंकि मैं टेढ़ा भागती थी मतलब लाइक स्प्रिंट मारते हैं ना तो लोग स्ट्रेट स्प्रिंट मारते हैं तो मैं कर्व लेके भागती थी तो कर्व इन सेंस देवा देवानंद ऐसे करके एक्टिंग करते थे ना तो इसलिए सर ने मेरा नाम देवा रख दिया था कि मैं कर्व करके स्प्रिंट मारती हूँ करके तो इसलिए उन्होंने मेरा नाम देवा रखा था बाकी भानुली भी बोलते हैं कोई लोग मेरे को भानुली <coughs> ओ भानुली बाकी इतनी ही है नाम ज़्यादा नहीं है आ, शादी कब करोगे ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा है ना मुझसे शादी कब करोगे वाला मतलब कभी भी करूँ यार होनी हो नहीं होगी हो, हो जाएगी नहीं होनी होगी हो नहीं होगी क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग हैं आपको पता चल जाएगा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे रिप्लाई क्यों नहीं देते रिप्लाई यार देखो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते हैं और ये नहीं है कि मैं सभी से बात करती हूँ मैं बहुत कम लिमिटेड बहुत ही लिमिटेड लोगों से बात करती हूँ इवन मैं अपने दोस्तों से भी मैसेज में बात नहीं करती हूँ ना कॉल पे बात करती हूँ जब हम मिलते हैं तभी हमारी बात होती है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट काम हो गया तभी एक दो दोस्त हैं मेरे बस उनसे लिमिटेड और बाकी मैं रिप्लाई दे देती हूँ जैसे कोई फैंस मेरे बहुत मतलब ज़्यादा ही मैसेज करते हो तो मैं उन्हें रिप्लाई दे देती हूँ दे दे। एक रिप्लाई दे दिया दो दे दिया थैंक यू शुक्रिया इस टाइप के मैं रिप्लाई दे, दे देती हूँ बट ऐसा नहीं है कि मैं उनसे डेली बात करूँ ना डेली बात करना बहुत ही अलग लेवल हो जाता है फिर तो काफ़ी लोग इतने बातुनी नहीं होती है इतने फ्रेंक नहीं होते तो मैं उस टाइप में से नहीं हूँ कि मैं बात कर पाऊँ मतलब तो इतना इंटरेक्ट नहीं हो पाती हूँ लोगों से बहुत जल्दी ना ही मुझे इतना बात करना पसंद है क्या बात करूँ मतलब तो स्ट्रेंजर्स फीलिंग आती है थोड़ी तो इसलिए बहुत लिमिटेड लोगों में रहती हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आ, कितने इनकम कमा लेते हो यार ये भी कोई पूछने की बात है जैसे आप सभी लोगों को पता ही है कि YouTube पे जो है व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करती है इनकम और कभी व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादा इनकम आती है कभी व्यूज़ कम आती है तो कम इनकम आती है तो इतना ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हाँ कितनी इनकम कमा लेती हूँ बट ये है कि आ जाती है जितना एक जितना नॉर्मली एक जॉब करके जो मैं अगर मैं जॉब करती हूँ उस, उसमें जितना कमाती उस हिसाब से मेरी अभी आ जा रही है इनकम जैसे मैं रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पर जो मैं पहाड़ी गानों में रील बनाती हूँ तो प्रमोशन के लिए भी पहाड़ी गाने मेरे को देते हैं तो उसमें से भी मैं एक नॉर्मली तीस सेकेंड के रील बनाने के लिए भी पैसे मतलब चार्ज करती हूँ और बाकी यूट्यूब पर जो मैं वीडियोस डालती हूँ उसकी इनकम तो आप सभी लोगों को पता ही है कि व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है सब तो यार आप लोग जितना देखोगे उतनी अच्छी इनकम आएगी ना तो आप लोग चाहते नहीं हो कि मैं मतलब मेरी इनकम अच्छी हो तो यार थोड़ा वीडियोस मेरी शेयर कर दिया करो तो और अच्छी इनकम आ जाएगी तब मैं आपको बता दूँगी ये कितनी इनकम आ रही है जब मेरी बहुत अच्छी इनकम आ जाएगी ना तब पक्का पर अभी ठीक ठाक चल रहा है मेरा रोज़गार चलाने के लिए कि मैं अपने खुद के कपड़े ले सकूँ अपने पैसों से खाना खा सकूँ घूमने जा सकूँ तो ये वाली इनकम मेरी ठीक चल रही है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आ, नया सॉन्ग कब तक आएगा मैंने ये बताया था आपको कि इस साल आ जाएगा मेरा नया सॉन्ग बस मे भी अगस्त तक आ जाए कोई नया सॉन्ग फिर देखते हैं एक दो सॉन्ग तो करूँगी इस साल पक्का प्रॉमिस है आपसे और आईपीएल ये हो गया हो गया कितने इनकम ये भी हो गया जब लड़के जब लड़के आपको प्रपोज करते हैं तो आप उन्हें ब्लॉक करते हो या इग्नोर देखो काफ़ी मैसेजेस आते हैं ऐसे बट मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं देती हूँ इसका क्योंकि इन सब चीज़ों से मेरी दुनिया में कोई लेना देना नहीं है तो हटाओ वाला सीन रहता है मेरा नॉर्मली ऐसा कोई सीन नहीं है मेरा ये सब चीज़ों का तो मैं इग्नोर करती हूँ इन सब चीज़ों को <laughs> और सबसे कॉमन शादी कब करोगे ये क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है बहुत ज़्यादा बार शादी कब करोगे वाला तो मैंने बता दिया था इसका आंसर आपको पता चल जाएगा जब भी होगी यार इतनी टेंशन मत लो आप आप मेरे रिश्तेदार नहीं हो जो इतनी टेंशन ले रहे हो शादी की <laughs> नहीं यार रिश्तेदार सॉरी यार रिश्तेदार भी देख रहे होंगे वीडियो हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी बॉयफ्रेंड ये क्वेश्चन जो है बहुत सबसे ज़्यादा कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये एनी बॉयफ्रेंड तो आपको लगता है ऐसा कोई सीन होगा मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है तो आप लोग ये सब चीज़ें सोचे भी मत बाकी शादी होनी होगी हो जाएगी नहीं होनी होगी नहीं होगी हो किस क्या करना है आपको ये सब चीज़ें पूछ के बेफालतू तो में झमेला है कुछ नहीं है इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है अपनी ज़िंदगी जियो करियर बनाओ अपने आप आगे ये सब चीज़ें होती रहती हैं लाइफ के साथ साथ ना तो ऐसा मेरा कोई सीन नहीं है आई एम सिंगल थैंक यू सो मच बहुत सारे लड़के खुश हो गए होंगे <laughs> पर कोई चांस नहीं है गाइस भाइयों और बहनों ये कोई चांस नहीं है मेरा सिंगल होने का आप सभी के लिए और बाकी क्वेश्चन आप कितने भाई बहन हो हम हैं तीन भाई बहन हैं सबसे बड़ी मेरी दीदी है फिर उसके बाद मेरा भाई है फिर उसके बाद मैं हूँ तो मेरी दीदी की जो है शादी हो चुकी है उसका एक बेटा भी है कन्नू तो हम तीन भाई बहन हैं और मैं सबसे छोटी हूँ आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो और इतनी स्माइल कैसे रखते हो अपने फेस पे पॉजिटिव होने में क्या है देखो यार मतलब सीटी आ रही यार किसी के कुकर की आ, अभी मजा आएगा ना बिल्कुल किसी के कुकर की हमारे ही कुकर के आ रही है शायद आप लोगों को सुनाई दे है क्या माइक में वैसे आवाज़ मेरी आ रही होगी सीटी नहीं कब तक लगेगी है तो यार हाँ मैं कहाँ थी आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो पॉजिटिव देखो सोशल मीडिया पे तो सभी आपको हंसते खेलते दिखेंगे हाँ तो आप सोशल मीडिया से किसी की लाइफ को जो है जज नहीं कर सकते कि वो खुश है या फिर कैसा है बस ये है कि हाँ हंसते रहो क्या फ़र्क़ पड़ता है लोग भी खुश रहेंगे आप भी खुश रहोगे और पॉजिटिव रहोगे तो और अच्छी बात है और फ़ोटोज़ भी अच्छे आते हैं आप हंसते रहोगे तो वीडियोज़ भी अच्छे बनते हैं इसलिए हमेशा हंसते रहो ताकि आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ तो अच्छी आए कम से कम लाइफ में कुछ भी चल रहा हो हंसते रह करो हमेशा फ़ोटोज अच्छी आएंगे ताकि आप आने वाले जनरेशन को अपनी बच्चों को दिखा सको कि देख मेरी कितनी अच्छी कितनी अच्छी थी मैं पहनने देख नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है कितनी बकरी हैं आपकी गांव में गांव में तो बहुत बक, मतलब मेरे भाई और भैया और भाभी रहते हैं गांव में युविका की मम्मी पापा तो उनकी अभी उन्नीस उन्नीस बीस बकरियां हो रखी हैं और मेरे मामा लोग हैं मामा लोगों की चालीस पचास बकरी हैं तो वही जा, गांव जाती हूँ तो तब मैं उनके साथ रहती हूँ बकरियों के साथ बाकी मेरी पर्सनल कोई बकरी नहीं है हाँ एक बकरी है मामा लोगों ने मेरे को मेरे नाम कर रखे वो बकरी तो एक बकरी है मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रश कौन है क्रश कौन है या क्रश आज तक स्कूल टाइम से भी स्कूल टाइम से लेकर अब तक मेरा कोई क्रश रहा नहीं है ख़ास ना ही मेरे को मतलब इतना इंटरेस्ट आता है किसी पे कि क्रश बना लूँ या फिर कोई स्मार्ट सा दिख गया तो हो कितना स्मार्ट है ये ऐसा मेरा कोई सीन का भी रहा नहीं है नॉर्मली मेरे को किसी पे क्रश नहीं आया आज तक सही बात है ये और ऐसा कुछ सीन नहीं है मेरा कि यार मतलब लड़का अच्छा लग रहा है तो हो कितना मोस्ट है ये है वो है मेरे को पता है कि करना ही नहीं है कुछ इन सब चीज़ों से लेना देना ही नहीं है तो खाली क्यों ये सब चीज़ें भी क्यों पालने है, क्रश फ्रेशा तो मेरा ये सब सीन भी नहीं है मैं बहुत ही रिजर्व लड़की हूँ अपने दोस्तों में दो तीन मेरे दोस्त हैं कोमल कनेका हर्षी वगैरह तो ये मेरे रिज़र्व है इतने ही इससे ज़्यादा मेरा कुछ लेना देना नहीं है दीन दुनिया से तो मेरा कोई क्रश भी नहीं है ना हीरो एक्टर एक्ट्रेस इन सब में भी मेरा कोई क्रश नहीं है हाँ नॉर्मल एक्टिंग करते हैं ठीक है मूवीज़ आ रही है ठीक है बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि मैं मतलब एज अ फ़ैन या फिर किसी की फ़ैन हूँ या फिर ये वो हाँ धोनी मेरे को अच्छे लगते हैं ये बोल सकते हो महेंद्र सिंह धोनी एज अ क्रिकेटर और उनके नेचर की वजह से भी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने किस स्पोर्ट्स में नेशनल खेला है मैंने खेला है बेसबॉल खेलती थी मैं और अभी भी मैं भी मैं अगर ये सब चीज़ें छोड़ दूँ तो मैं अभी भी खेल सकती हूँ बट अब तो देखते हैं <laughs> तो मैं बेसबॉल में मैंने खेल रखा है और बेसबॉल में मैं खेला मैंने खेला है दिल्ली स्टेट और क्या बोलते हैं दिल्ली स्टेट जोनल लेवल और क्या बोलते हैं अब भूल ही गई मैं तो तीन साल में <laughs> <coughs> तो स्पोर्ट्स में मैंने खेल रखा है जोन दिल्ली जोन और यूनिवर्सिटी में जैसे कॉलेज के मैचेस होते थे वो खेले हैं मैंने और दिल्ली स्टेट खेला है दिल्ली ओलंपिक खेला है नेशनल में मैंने यूपी की टीम से खेला है दिल्ली की टीम के साथ जाती थी और तीन तीन नेशनल खेले हैं बाकी एक दिल्ली ओलंपिक खेला है और दिल्ली स्टेट वगैरह खेल रखे हैं बेसबॉल बेसबॉल बहुत कम लोगों को पता होगा बाकी बेसबॉल वाली वीडियो मैंने डाली थी व्लॉग पिछले से पिछला व्लॉग होगा तो आप लोग देख सकते हैं ये रहा व्लॉग स्पोर्ट्स का है ये वाला व्लॉग नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्थडे 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 कब आते हैं मैंने बर्थडे आपको एज वाले क्वेश्चन में बता दिया था फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन एट तो जिस हिसाब आप से आपको एज भी पता चल जाएगी मेरा और बर्थडे भी पता चल गया उसमें मैंने दोनों क्वेश्चन को कवर कर लिया बाकी आगे से किसी लड़की से एज मत पूछना नेक्स्ट <laughs> क्वेश्चन है तुम मेरे दिल की धड़कन हो बस सिर्फ तुम उससे मेरा क्या फायदा अच्छा ठीक है वाह क्या शायरी है इतनी शायरियाँ लिख रखी थी ना लोगों ने क्या बताऊँ मैं आपको पढ़ के अब अभी पढ़ के बताऊँगी हाँ शायरी भी रुको <laughs> खतरनाक तुम मेरी दिल के धड़कन हो बल यार नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉय लुक में आने का आइडिया कहाँ से मिला बॉय लुक में आने का आइडिया मेरे को मिला ऐसे ही हम दोस्त लोग थे और हम हिमाचल जा रहे थे तो उस टाइम पर सर्दियाँ चल रही थी तो कैप ली थी वो वाली जो कैप में मैं बॉय लुक बनाती हूँ जिस कैप में मैं बॉय लुक बनाती हूँ तो उस टाइम पे जो है दोस्त ने बोला ऐसे रात को हम रुके थे कोमल थे मेरे साथ तो कोमल बोला अरे लड़के वाली एक्टिंग कर यार तो मैं लड़की बनती हूँ तो मैंने खाली टोपी पहन ली और बाल आगे कर लिए भाई देखो भाई साहब इतनी ख़तरनाक लग रही थी मैं उस टाइम पर लुक में मैंने बोला अब मैं तो पूरी रियल लग रही हूँ मतलब पूरा लुक आ गया था भयंकर वाला और हम दोनों हो गए कि ये क्या हो गया <laughs> इतने ख़तरनाक कैसे लग रही हूँ फिर उसके बाद तब से जो है मैंने स्टार्ट करा बॉय लुक में वीडियो बनाना और बॉय लुक में मेरी टिकटॉक के टाइम पे भी वीडियो जो है बहुत वायरल हुई कम से कम कितने बताऊँ मैं आपको बहुत ही मिलियंस में गई थी पैंतीस छत्तीस मिलियन मेरी वीडियो गई थी उस टाइम पर पूरे इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज़ में, में मेरी वो वीडियो फैली थी मतलब बाहर की कंट्रीज में भी और ऑल ओवर जो टिकट था उस पूरे टिकटॉक में फैली थी ये नहीं कि सिर्फ इंडिया का ही टिकट बाहर के जो टिकट थे उसमें भी मेरी वो वीडियो वायरल हुई थी बॉय लुक वाली बहुत सारी एक वीडियो भी नहीं बहुत सारी वीडियो तो टिकट पे तो मेरे सही आ, वो थे फॉलोवर्स थे 1.4 मिलियन और उसमें मेरी काफ़ी वीडियोस करोड़ों से भी ऊपर बिलियंस में गई हैं उसमें तो मेरी वीडियोस तो बॉय लुक की वजह से ही ज़्यादा मतलब फ़ेम मेरे को मतलब मिला है वैसे बाकी तो ठीक ही है वो आजकल कर कम कर दिया मैंने बनाना क्योंकि बाल भी जो है पतले हो गए हैं पहले थोड़े हैवी थे तो आगे आके बिल्कुल सेट हो जाते थे अभी स्टार्ट करूँगी फिर से हाँ <laughs> तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रील कब से बनाती हो इंस्टा पे इंस्टाग्राम पे रील मैं बनाती हूँ कब से बनाती हूँ यार जब रील स्टार्ट हुआ था 2020 में स्टार्ट हुआ था शायद से तो मैं उस टाइम पे गांव में थी तो तब तो मैंने स्टार्ट नहीं करा था बनाना बट जब मैं गांव से आई 2021 में मैं आई तो 2021 के मिड से मैंने जो है वीडियोस बनाने स्टार्ट करी रील बनाना स्टार्ट करा तो 2021 के मिड से मैंने जो है इक्कीस बाईस तेईस आ गया अभी दो से मैंने रील्स बनाना स्टार्ट करा बाकी उससे पहले मैं टिकटॉक वगैरह बनाती थी जैसे कि आप सभी लोगों को पता वही होगा हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आप अपने सूट कहाँ से लेते हो ये क्वेश्चन बहुत सारी लड़कियों ने पूछा मुझसे आप अपने सूट कहाँ से लेते हो सूट मैं नॉर्मल दुकानों से लेती हूँ या फिर दुकानों से ही लेती हूँ थान का कपड़ा होता है ना जो सूट नहीं लेती प्रॉपर थान का कपड़ा लेती हूँ फिर उससे सूट सिलवाती हूँ बाकी शरारा वगैरह वाला तो मैं दुकानों से ही लेती हूँ वायरल वीडियो फर्स्ट वायरल वीडियो फ़र्स्ट मेरी सबसे पहले जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी वो थी मेरी भोलेनाथ वाली मतलब टिकटॉक के टाइम टिकटॉक में मैं बहुत सारे लुक्स में वीडियोस बनाती हूँ बहुत सारे लुक्स पता नहीं मैंने कौन 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 से लुक में वीडियो बनाई होंगी बॉय लुक ले भोलेनाथ वाला मतलब सारे भगवान बन के मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में मैंने वीडियोज़ बनाई हैं टिकटॉक में अलग अलग लैंग्वेज़ में भी वीडियोस वीडियोज़ बनाइए ताकि फिर अलग अलग जगह के लोग भी मेरे को अभी भी जानते हैं क्योंकि मैं नेपाल की वीडियोस बनाती थी महाराष्ट्र लैंग्वेज में वीडियोस बनाती थी बंगाली गानों में वीडियो बनाती थी और बहुत सारे मतलब ऐसे गानों में मणिपुरी बहुत सारे गानों में मैं वीडियोज़ बनाती थी तो वहाँ के लोग भी मेरे को उस हिसाब से जानते कि मैं उनके गानों में भी वीडियोज़ बनाती थी तो फर्स्ट मेरी जो वायरल हुई थी वो भोलेनाथ वाली वीडियो थी उस टाइम पे वो दस हज़ार गई थी तो मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी दस हज़ार उस टाइम पे अब तो दस मिलियन से भी ऊपर चले जाते हैं क्रॉस में चले जाते हैं वीडियो पर दस हज़ार उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी फिर उसके बाद बॉय लुक में वीडियो वायरल हुई उसके बाद इन पहाड़ी में जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी वो थी ये वाली वीडियो थी शायद से और ये पहाड़ी पेजेस में लगी थी मतलब पहाड़ी पेजेस ने अपने पेजेस में डाले तो मेरे लिए उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी ये कि पहाड़ के जो पेजेस है वो मेरी वीडियो डाल रहे तो मेरे को ये था कि और वीडियो मतलब बनाओगे ताकि पहाड़ी पेजेस में मेरी वीडियोस डले करके तो फिर वहाँ से मैंने फिर पहाड़ी वीडियो बनाना शुरू करा और टिकटॉक पे उस टाइम पे पहाड़ी गानों पे बहुत ही कम लोग बनाते थे वीडियो सब हिंदी गानों में बनाते थे फेमस होने के लिए या फिर ट्रेंडिंग में जाने के लिए तो हिंदी गाने में सब बनाते थे बट उसके बाद थोड़े बहुत ही दो तीन लोग थे पहाड़ी जो पहाड़ी वीडियोज़ बनाते थे तो उसमें से फिर मैंने भी शुरू करा पहाड़ी वीडियोस में बनाना और पहाड़ी गानों को टिकटॉक में पहाड़ी गाने नहीं थे मतलब तो हम बाहर से गाने उठा के एडिटिंग करके वो अपनी खुद की ऑडियो डाल के जो है पहाड़ी गानों को उसमें टिकटॉक में भी प्रमोट करा फिर उसके बाद धीरे धीरे पहाड़ी गाने टिकटॉक में आने लग गए थे फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और लोगों ने फिर देखा कि हाँ पहाड़ी मतलब टिकटॉक में भी अब आ गए करके तो सभी लोग फिर उसके बाद पहाड़ी गाने में बनाने लगे तो एक ये भी अच्छा लगा कि मतलब अपने कल्चरल वीडियोस मैंने टिकटॉक पे मतलब पहाड़ी गानों में इतने डाले कि लोग हिंदी गानों को छोड़ के पहाड़ी गानों में ज़्यादा बनाने लग गए थे फिर उत्तराखंड के तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और अभी भी मैं इंस्टाग्राम पर ज़्यादातर पहाड़ी गानों में ही बनाती हूँ हिंदी गानों में कम ही बनाती हूँ और अगर अभी हिंदी गानों में बनाऊँ तो और अच्छे फॉलोवर्स हो जाए बट फॉलोवर्स से उतना लेना देना है नहीं बट ठीक है हाँ आपको जो पसंद है आप वो करो तो मुझे पहाड़ी गानों में वीडियोज़ बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसलिए अभी भी उन्हीं में बनाती हूँ वीडियोज़ रे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे <laughs> अभी भी मैंने बहुत ही कम पूछे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछूँ ये मेरे पूछ दिए शायद पूछ दिए यार सारे क्वेश्चन बाकी बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन बाकी शायरी वगैरह थी शायरी वगैरह तो क्या ही मतलब मैं अब आपको शायरियाँ बहुत सारी शायरियाँ पूछी गई थी मुझसे मतलब आप इतनी पहाड़ी अच्छी बोल कैसे लेते हो मतलब बचपन से दिल्ली में रह के भी तो यार दिल्ली में रह के भी मैं इतनी अच्छी पहाड़ी कैसे बोल लेती हूँ करके आप लोगों ने शायद मेरी वीडियो देखी होगी तो पहाड़ बुलंद में है कुमावनी में भी हूँ कुमावनी बोलनी बही हूँ तो कुमावनी में है जो शुरू हुई जैसे कि मैं बचपन से बचपन में मैं गाँव में थी आंगनबाड़ी पढ़ी उसके बाद दिल्ली आ गए थे हम तो दिल्ली में आके जो है हम भूल गए थे पहाड़ी बोलना पहाड़ी बोलना मतलब भाई और मैं हिंदी में ही बात करते थे तो जब हम गांव गए तो वहाँ भी हम हिंदी में बात करने लग गए तो गांव में भी पापा को लगा कि यार ये लोग तो पहाड़ी मतलब बोल नहीं रहे हैं अम्मा बब्बू लोगों की लैंग्वेज भी नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे चलेगा ऐसे काम तो उसके बाद जब हम दिल्ली तो वापस दोबारा आए उसके बाद पापा मम्मी का एक प्लान था शायद से जो कि ये था प्लान था कि हम पहाड़ी में बात करेंगे घर में हिंदी तो ये जो है सीख लेंगे स्कूल में बाकी अगर ये पहाड़ी भूल गए तो फिर आगे गांव में जाके कैसे काम चलेगा तो पापा मम्मी ने ये प्लानिंग करी और घर में वो लोग पहाड़ी में बात करने लगे हमसे भी और आपस में भी तो उस हिसाब से एक इन्वायरमेंट बन गया घर का ही दिल्ली में कि पहाड़ी में बात करनी है तो इसलिए जो है ईद उभल पैड़ों ने बेवी है तो इसलिए मेरे को जो है पहाड़ी आती है बचपन से ही दिल्ली में रह के भी हाँ और नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक और था कि आप इतना सही सारे काम कैसे कर लेते हो मतलब दिल्ली में रहते हो फिर गांव जाते हो और गांव के भी सारे काम कर लेते हो मैं तो हल भी नहीं जोत पाता ऐसे कुछ लिखा था एक कमेंट था क्वेश्चन था तो यार काम देखो आप जैसे आपके दिल पे मतलब इच्छा पे है कि आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो आप यहाँ से दिल्ली से जाओगे नॉर्मली गाँव जाओगे तो आप एक काम को सीखोगे देखोगे कि हाँ वो कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं तो आप खुद ही आगे से बढ़ के उस चीज़ में अगर काम करने में सीखो सीखने की एक वो होनी चाहिए कि हाँ मेरे को भी सीखना है या मेरे को भी करना है अच्छा लग रहा है जैसे भाभी जो है लकड़ियाँ लेने जाती थी तो मैं भी जाती थी उनके साथ कि मैं भी चलूँगी तो भाभी बोलती है कम उठा पाएगी चल तू तो फिर भी चल तो बोलती कोई बात नहीं कम उठाऊँगी पर लकड़ियाँ उठा के लाऊँगी ये भी मतलब मेरे को एक होता ही है कि हाँ जब तक आप करोगे नहीं खुद से तो आएगा नहीं ना चीज़ें तो स्टार्ट करनी चाहिए जैसे भाभी खेत में काम करती थी तो मैं पहले उनसे पूछती थी कैसे करना फिर वो मेरे को बताती थी कि ऐसे ऐसे खोद ऐसे गोड़ तो फिर उसके बाद मैं भी करने लग जाती थी नहीं होता था तो वो सिखाती थी तो जब तक आप सीखेंगे नहीं तो कब तक जब तब तक आपको कैसे आएगा कोई काम है ना जैसे भतौड़ लिपाई होती है तो भतौड़ लिपाई पहले मैं देखती थी कि मम्मी कैसे कर रही है गोबर डाला मिट्टी डालना फिर उसके बाद तो जब तक आप सीखेंगे नहीं वही बात हो जाती है मैंने जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं आएगा काम तो सारे काम आने चाहिए ज़िंदगी में एंड लास्ट क्वेश्चन जो है ये है कि आप सबसे ज़्यादा किससे डरते हो अपनी फैमिली में फैमिली में डर फैमिली में डर तो उतना है नहीं मतलब कभी रोना रोका ना टोका ना पापा ने पापा ने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा कि हाँ मतलब जो करना है वो करो वाला सीन है घर में ऐसा नहीं है कि पढ़ाई पे ही ध्यान दो अगर आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में तो आप उसमें भी अच्छा करो वाला सीन है कभी रोक टोक नहीं करी पापा ने किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा और कहीं भी जाना हो तो जा शूटिंग करनी है कर मतलब कभी भी रिजर्व वो नहीं रखा बांध के नहीं रखा हमेशा तो कभी डांट वगैरह जो है पड़ी नहीं है बाकी मम्मी ने भी कभी डांटा नहीं किसी चीज़ के लिए और ठीक है कभी कभी हो जाती हैं गलतियाँ है, तो बचपन के शरारत में डांट पड़ जाती है वैसे डरतना वगैरह डर वगैरह कुछ ऐसा रहा नहीं कभी कि कोई गलत काम ही नहीं करा ऐसा कि डर लगे है ना घर में एक हाँ ये है कि अब के घर में आपका डर होना चाहिए बाकी ऐसा तो है सीन कि जैसे आजकल के बच्चे जो हैं इंस्टाग्राम में वीडियोस डाल रहे हैं मतलब किसी भी गाने में वो लोग बना देते हैं कैसे भी ड्रेस पहन लेते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ इस चीज़ का डर थोड़ा एक होना चाहिए कि जैसे आजकल के जो पेरेंट्स हैं जैसे मेरे पेरेंट्स हैं मेरे पेरेंट्स जो है सोशल मीडिया पे नहीं है एक्टिव इतना तो उन्हें नहीं पता कि मैं किस टाइप की वीडियोज़ बनाती हूँ क्या बनाती हूँ बट यह कि मेरी दीदी और मेरे भाई जो है वो चेकआउट करते हैं स्टार्टिंग में जो है मैं जब वीडियोज़ बनाती थी तो मेरे को इस चीज़ का डर था कि हाँ मेरी दीदी देखेगी या मेरा भाई देखेगा वीडियोस तो कैसा लगेगा तो मैं उस हिसाब से जो है वीडियोस बनाती थी कि ताकि मतलब अगर मेरे को मेरी दीदी भी देख रही हो वीडियो तो उससे भी अच्छी लगे क्योंकि दीदी जो है मतलब सुना देती थी डांट मतलब सुनाना इन द सेंस कि अगर आप कोई वीडियो डाल रहे हो तो अच्छी वीडियो डालो ये नहीं कि कुछ भी बना के डाल दो या फिर कैसे भी कपड़े पहन के डाल दो तो मेरा एक इस चीज़ का डर था कि हाँ अगर मैं वीडियोस कोई भी बना रही हूँ तो अच्छी वीडियो मेरी होनी चाहिए उसमें मेरी ड्रेसिंग सही होनी चाहिए मतलब कुछ ऐसा ओपन नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ ताकि मतलब तो मेरे को थोड़ा मेरा दीदी का डर था तो जिस वजह से मैं मानती हूँ कि हाँ बहुत ही अच्छी बात है डर होना भी क्योंकि आजकल के हिसाब से तो सोशल मीडिया के ज़माने में डर होना एक पेरेंट्स का हो तो होना ही चाहिए क्योंकि बच्चे कुछ भी बना दे रहे हैं आजकल कैसे भी कपड़े पहन के कैसे भी गानों में तो अगर मेरी दीदी का उस टाइम पर डर नहीं होता तो मैं भी मे बी कोई भी गाने उठा के बना लेती कैसे भी गाने ट्रेंड के साथ चलने लग जाती जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पर तो मेरे को अब अच्छा लगता है कि हाँ मैं अपनी दीदी के डर की वजह से आज मेरा जो आ, क्या बोलते हैं जो मेरी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे वो बहुत ही सभ्य लड़की के तौर पे है तो मुझे वो चीज़ मुझे को बहुत सही लगती है अभी भी तो डर होना चाहिए एक फैमिली में किसी का ताकि आपको भी लगे कि हाँ मैं जो चीज़ कर रही हूँ वो गलत है या सही है दीदी क्या बोलेगी भाई क्या बोलेगा तो इस चीज़ का डर होना चाहिए एक आज के जनरेशन में तो खास <laughs> भावना चुफाल इज़ नॉट भावना चुफाल विदाउट आप सभी लोगों की वजह से ही मैं भावना चुफाल हूँ आज और आप सभी लोगों ने मेरी वीडियोस ना शेयर करी होती मेरे को इतना प्यार ना दिया होता मेरी वीडियोस को इतना लाइक पसंद नहीं किया होता तो शायद ही मैं एक नॉर्मल लड़की होती भावना चुफाल नहीं होती जैसे कि आप सभी लोगों ने आप सभी लोगों के वजह से ही मैं आज यहाँ पर बैठ के आप सभी के कोश्चन्स के आंसर दे रही हूँ तो भानुनु चुफाल इज़ नॉट भहानु चुफाल विदाउट आप सभी लोग स्टडी आपके स्टडी क्या है मतलब बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन में पूछा कि मतलब क्वालिफिकेशन्स क्या है करके तो आंगनवाड़ी जो है मैंने अपने गांव से करी उसके बाद मैं दिल्ली आ गई थी फिर दिल्ली में आके जो है नाइन्थ क्लास एट्थ क्लास तक मैंने प्राइवेट स्कूल से पढ़ा उसके बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल में चली गई थी फिर इसके बाद ट्वेल्थ क्लास तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी मेरा सब्जेक्ट था कॉमर्स और उसके बाद <coughs> उसके बाद जो है मेरा एडमिशन हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटे से और उसमें मैंने करी है पोल साइंस ऑनर्स और फूड टेक्नोलॉजी ऑनर्स तो बस इतना ही ग्रेजुएशन हो गई है मेरी कंप्लीट उसके बाद आगे देखते हैं अब क्या करते हैं आई है, आईपीएल सीजन चल रहा है तो आपकी फेवरेट टीम का नाम क्या है आईपीएल सीज़न में मेरी फेवरेट टीम एक ही है यार फेवरेट टीम सी एस के सी एस के सी एस के मेरे को महेंद्र सिंह धोनी की वजह से पसंद है और मैं महेंद्र सिंह धोनी की बहुत बड़ी फैन हूँ <laughs> तो मैं जो है आई पी एल में सी एस के को सपोर्ट करती हूँ और आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट्स में कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है मुझे पता है सी एस के वाले बहुत सारे होंगे सारे सी एस के होंगे ज़्यादातर है ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दी आप इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेते हो आपकी वीडियो मुझे मुझे आपके जैसी वीडियो बनाना सीखना है या वीडियो देखो आ, क्या बताऊँ अच्छी एक्टिंग तो मैं उतनी नहीं करती हूँ बट हाँ यह है कि आप अगर मतलब ये मत सोचो कि आप एक्टिंग कर हो यह सोचो कि जैसे गाना चल रहा है तो आप खुद ही मतलब अपने इमेजिन करके उस चीज़ को इमेजिन करके आप करोगे तो वो नेचुरल मतलब आएगा जैसे आप बनावटी कोई और जैसे आप कैमरा ऑन करते हो कैमरे में आप ख़ुद को मत देखो कि आप खुद को देख के एक्टिंग कर रहे हो तो वो नेचुरल नहीं आएगा जब आप उस गाने को फ़ील करके एक्टिंग करोगे मतलब गाना चल रहा हो आप उस चीज़ को फ़ील कर रहे हो तो वो नेचुरल एक्टिंग आएगी तो मैं तो ये करती हूँ बाकी आप देख लो आप कैसे करते हो तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गाने को फील करके एक्टिंग करो कि ना कि कैमरे में खुद को देख के कि आपका फेस कैसा लग रहा है या फिर मतलब काफ़ी लोग मैंने देखे हैं ऐसे कि वो कैमरे में खुद को देखते हैं बट कैमरे में खुद को ना देखने के बजाय आप उस गाने को फील करो और उस गाने के एक्सप्रेशन के साथ चलो तो नेचुरल एक्टिंग आती है मे बी मैं सही हूँ <laughs> तो आप सभी लोगों का तेज दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ और आपके प्रश्नों के उत्तर दे रही हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी मैं इसी प्रकार से काम करती रह हूँ और अपने कल्चरल सॉन्ग्स में वीडियोज़ बनाती रहूँ और ऐसा कोई भी काम ना करूँ कि जिससे आप सभी लोगों को ठेस पहुँचें तो उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी इसी प्रकार से मेरे को सपोर्ट करेंगे तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं हैं बाकी बहुत सारे क्वेश्चन थे आप सभी लोगों के होगा तो आगे एक और वीडियो बना दूँगी मैं आप सभी लोगों के लिए बाकी आप लोग कमेंट्स में भी जो है मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैं कमेंट्स में रिप्लाई कर दूँगी इस वाले इस वाले वीडियो के कमेंट्स में मैं रिप्लाई कर दूँगी आपके कोई और क्वेश्चन होंगे तो और क्वेश्चन अगर आप कोई पूछना चाहोगे तो इसमें मैं जो है कमेंट्स में आप सभी के रिप्लाई कर दूंगी तो चलिए आज की ये वीडियो ही पे समाप्त करते हैं आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बाकी आप मेरी वीडियोस इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं इंस्टाग्राम है मेरी ये और फेसबुक आईडी भी मैंने आजकल पब्लिक कर रखी है एक महीना ही नहीं हुआ है मेरी फ़ेसबुक को पब्लिक हुए और उसमें सत्रह हज़ार फॉलोवर्स हो गया सेवेंटीन थाउजेंड मतलब एक महीना भी नहीं हुआ है अभी वो आईडी पब्लिक हुए तो आप वहाँ पर मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं तो चलिए आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं धन्यवाद